अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। हम जा रहे हैं आज रैम्बो साहब के गांव, और ऐसे ही नहीं जा रहे, काम से जा रहे हैं। एक तो मैं अपनी नंद की ईद लेकर जा रही हूँ, यानी उनकी बहन की, और दूसरे ये कि बहन की बेटी ने, माशाल्लाह वो 10-12 साल की है और उसने कुरान पाक हिफ्ज किया है, तो हमारी फैमिली में पहली बच्ची है, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। और हम जा रहे हैं मुबारकबाद देने, और आपको रैम्बो साहब के गांव की ज़रा सैर कराते हैं। और ये मोटरवे तो देखिए जो नया बना है। अच्छा, पहले भी मैंने एक हवेलियां गांव की वीडियो लगाई जिसके बहुत अच्छे व्यूज़ आए, और कहा कि वो बहुत कम थी, और आप प्रॉपरली पूरा गांव दिखाएं। पूरा गांव अंदर से घर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहें आपके साथ शेयर कर सकूँ। बड़ा खूबसूरत गाँव है, और अब देखते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं। चले जी, अभी हमने टेक्सला क्रॉस किया है, और अब हम जा रहे हैं हरिपुर की तरफ, और हम बाहर से बाहर ही जाएंगे, यानी अंदर शहर की तरफ नहीं जाएंगे। और ये देखें कि जी हमारा मोटरवे, ये रैम्बो साहब भी पहले कह चुके हैं कि हमारा मोटरवे यूरोप अमेरिका के मोटरवे से कम नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लंदन के मोटरवे पे हैं। लंदन से ग्लासगो जाते हैं जब, तो इस तरह का ही व्यू होता है। अच्छा जी, ये हम हवेलियाँ एंटर हो गए हैं, और ओवर टू यू रैम्बो साहब, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बाकी की आपने मुझे दे दी। ये जो टंकी है ना, ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये जो ईंटों वाली बनी है। जरा अपनी शक्ल तो दिखा दे कि आप जी, 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 ना, जी, आवाज तो वैसे। और ये उसी तरह है बाजार अभी तक, और लेफ्ट साइड पे ये दरियाए दौड़ है नीचे, दिखाएंगे, ये सेम इसी तरह। ये हमारी मस्जिद है बड़ी पुरानी, इसके मीनार बड़े खूबसूरत कर लिए इन्होंने। ये गली थी सर, ये गली दिखाएं इस तरफ, इस गली से जाके पीछे हमारी ज़मीनें और हमारा घर हुआ करता था। ये चप्पल, पशावरी चप्पल की दुकानें हैं। ये हमारी जामा मस्जिद सैयदना अमीर माविया चौक हवेली, ये लेफ्ट पे दिखाएं। ये मस्जिद है, हाँ जी दिखा दी है। ये दिखाएं, अब ये भी दिखाएं, ये बाजार, अब ये चौक आ गया, और ये बाटा और सर्विस की दुकान बहुत पुरानी है, बचपन में हम यहाँ से आके वो लिया करते। ये चौक दिखाएं जी, अमीर माविया चौक, और वो सामने रेलवे स्टेशन आ जाएगा। मैं रेलवे स्टेशन भी शायद आपको कल थोड़ा सा वापसी पे दिखा दूंगा रेलवे स्टेशन। और ये आ जाता है जी हमारा, हमें इधर से ही जाना है ना। यस, ये सारे मेडिकल स्टोर हैं जी, ये बहुत पुराना, ये अब घर सारे टूट गए हैं, ये सब सिखों के घर थे, ये पूरा मोहल्ला सिखों का था। ये मेरे नाना मेडिकल स्टोर, हाँ ये मेरे नाना जी को मिली थी दुकान, रेलवे में होते थे, ये उनकी है। ये रेलवे आ गए जी कॉलोनी, और इसके पीछे ट्रैक या रेलवे का, बहुत पहले तो बड़ा सीधा और ओपन होता था, गलियां बन गई हैं।
बिल्डिंग भी बन गई है। ओए ओए ओए, ये जी हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये पहले बॉयज होता था, अब इसको गर्ल्स कर दिया। दो रास्ते जाते हैं, एक ये है, वो छोटी गली है, अब ये रोड बन गया है बड़े अरसे से, अब हम बार बार से जाते हैं। जी यहाँ से जी अब हमारा ख़ानदान शुरू हो जाता है, रिश्तेदार बरादरी, ये दाएं बाएं अपने ही घर हैं सब रिश्तेदारों के। जब मेरा बचपन गुजरा आते जाते, सोचो जब मैं छोटा हूँ तो कैसा हूँ, ये हमारा पहले भी मैंने दिखाया था, ये कब्रिस्तान है, इसमें हमारे सारे बुजुर्ग जो हैं। मैं अभी मैं उनकी नाना की कब्र से होके आता हूँ, नाना अबू की कब्र से। ये हमारा सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत पुरानी कब्रें हैं, इनको 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया तकरीबन, इन पे घास छमी हुई है ज़्यादा। और ये जितनी कब्रें हैं यहाँ पे सब हमारे आबाओ अजदाद की हैं, ये सारे ये। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे नाना के भाई थे अजब खान, ये सारे भाई, और ये मेरे नाना अबू की कब्र है, ये मेरे नाना अबू की कब्र है। फातिहा पढ़ लो यार। इस पहाड़ के पीछे एबटाबाद है, और ये मेरी नानी का घर था, नाना अबू का। अब इसके 3-4 पोर्शन हो गए, कच्चा घर होता था बड़ा मज़े का, ये इसकी मेन दीवार थी, अब इसके पोर्शन हो गए हैं, किधर एक किधर, जाहिर है वो। ये मेरे छोटे मामू अब यहाँ होते हैं, यहाँ मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आगे कैमरा मैं नहीं चला सकता, ये हमारा है। अब यहाँ हम खाना खाने आए हैं, आ जाओ जी। हम आ गए हवेलियाँ, और सबसे पहले हम गए इनके मामू के घर, वहाँ पर खाना खाया। अब हम आए हैं दरियाए दौड़ पर, और वहाँ की मैं आपको ज़रा क्लिप्स दिखाती हूँ, वीडियो आगे चल के बनाते हैं जी। चलें, thank you.
जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, मैं भी सारी ज़िंदगी इस एज में इसी तरह नहाया करता था। ये मेरे तीन मेरे मामू के बेटे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, ये तीनों मेरे कज़न्स हैं। ये तीनों आप मेरी एज का हिसाब लगा लें कितनी छोटी मेरी एज है। ये मेरे मामू के बच्चे हैं, वो मेरे मामू करे हैं, ये जिन्होंने हाथ लाया वो मेरे मामू हैं, और ये मेरे बहनोई हैं और खाला के बेटे भी हैं। और इस तरह मेरी नानी आके हमें मारा करती थी, नंगे पिंडे चपेड़ा मार के ना वापस ले जाते सर। बहुत शौक है तुम्हें, वो यही होता था कि इनको बुखार ना हो जाए, बह ना जाए, डूब ना जाए, क्योंकि उस वक्त ये पानी बहुत ज़्यादा और बड़ी स्पीड में हुआ करता है। अब तो पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी। जी अब हम आए हैं प्योर गांव की तरफ, और चक्की है, पानी से चलती है, आटा पीसते हैं। जरा देखते हैं। ये गंदम का है। अच्छा, गंदम का आटा है। तो ये चक्कियाँ जो चलती हैं, ये कैसे चलती हैं? इसके नीचे जो है ना, एक चरक है लकड़ का। हाँ जी। उसमें कुछ ऐसा उसका लोहे का भी है, पीछे से लकड़ का नावा है, ऊपर से पानी लगता है, इस तरह ये चलता है। अच्छा, ये याद है हजरत उस्मान अकीम साहब। ये आटा तो गर्म है। आटे की खुशबू मैं पहले कह रही थी कि बाहर भी बहुत अच्छी आ रही थी, और अब तो बिल्कुल भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, कि गरम गरम रोटी पके भी और मज़े से खाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो पानी जा रहा है, ये उस इतने बड़े पत्थर को चलाता है। ये पानी एक चक्की बंद करने लगे हैं, ये चक्की बंद हो गई, पानी बंद हुआ, चक्की बंद हो गई। साथ चलती है ये बड़े दूर से पानी को बांध के लाते हैं, यहाँ इकट्ठा करते हैं, और यहाँ से प्रेशर में से नीचे जाता है ये। पानी की चक्की, आटे की इतनी अच्छी, इतनी देसी खुशबू आ रही है कि भूख लग गई। अब हम जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत, आप लोगों ने तस्वीरों में भी देखा होगा अक्सर, काफी सोशल मीडिया पे भी वो वॉटरफॉल आती है, सज्जी कोट की। हवेलियां से कोई आधे घंटे का रास्ता है, और वो काफी, अभी देखेंगे जाके आगे। अच्छा, और ये हैं मेरी गोद में आजान साहब, ये हैं रेम्बो साहब की भांजी के बेटे, और इनकी मैं नानी हुई, नानी अम्मा भी हूँ मैं, सोचो जरा। और ये देखिए जरा, ये गिर गए थे साइकिल से और बहुत चोट लगी, और मैंने इनकी साइकिल को मारा है बहुत, है ना सर, मारा है ना?
कह रही थी मारूंगी आपकी साइकिल को, कहता लेकिन आप उसको कोई असर नहीं होगा, आपके हाथ पे चोट लगेगी। पहुंच गए हैं सच्ची कोट आबशार पर, और ये वैसे इन्होंने बंद कर दी है टूरिस्ट के लिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हादसात हुए हैं। ये बरसात की वजह से पानी थोड़ा मैला हो गया है, वरना ये बहुत नीला पानी, बहुत शफाफ पानी होता है। लेकिन व्यू काफ़ी खूबसूरत है, दूर से देखने से भी अच्छा लग रहा है। और ये है एक दूसरी वाटरफॉल, अम्ब्रेला वाटरफॉल, ये उससे थोड़ा आगे है। हाँ जी यासर, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, ये मेरा छोटा कज़न है जी, हालांकि इसका अपना ये स्टोर है माशाल्लाह यहाँ पे। ये जी सारे, ये दाएं बाएं सारे अपने घर हैं, जितने भी हैं, ये पूरी गली एंड तक सारे रिश्तेदार हैं हम। ये हमारी मस्जिद है जी, मस्जिद नहीं बनी है लेकिन ये 200 साल से यहाँ मस्जिद है। ये सारे अपने हमारे रिश्तेदार हैं। ये सबसे पहला इस गांव का पक्का मकान ये होता था, अब तो सारे पक्के हो गए हैं। पहले घर कच्चे थे बचपन में ना, हमारे कच्चियां गलियां थी। अस्सलाम वालेकुम। ये पत्थरों वाला पुराना घर है, ये मेरे ताए अब्बू के घर है, यहाँ से लेके हाँ जी, ये ताए अब्बू का घर है, और ये वाला मेरे वाले साहब का पुराना घर, पहला वाला। इस घर में शादी हुई थी ना अब्बू की, मेरे अम्मी अब्बू की शादी इस घर में हुई थी। ये हाँ, ये गेट था हमारा, ये हमारा घर है अबाई। ये फैसले होते थे पुराने ज़माने में, पहले भी, अभी तक इसकी निशानी रखी हुई है, उजरा कहते हैं इसको। बचपन में मैं इसके साथ बड़े झूठे झूठे लेता। ये मेरी फुफ्फी का घर है जी, ये आगे जो है मेरी, ये वो गली हैं जिनमें हम खेलते खेलते बड़े हो गए हैं। ये भी हमारी दूसरी मस्जिद है पुरानी। ये सारे घर अपने, और ये सब खेत हुआ करते थे कभी। ये मेरा दादका कब्रिस्तान, वो जो पहले दिखाया था वो नानका कब्रिस्तान था। तो ये यानी कि ये सब, ये जितनी कब्रें हैं ये सब हमारे आबा अजदाद की हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने दादा अबू की कब्र। ये दादा अबू की कब्र है जी, और ये मेरे दादा अबू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खानी जुमान खान वाल अब्दुल्ला खान, वाले साहब शेर अफजल खान, ये मेरे वाले साहब का नाम। ये हमारी पड़दादी माँ है, पड़दादी, दादी से भी, इनसे भी आगे। ये मेरे चचा का बेटा है जी, और ये मेरी खाला के बेटे हैं, और ये मेरा मामू है जो मुझसे छोटा है।
एक बात और बताऊं, ये अपने वक्त के नामी गिरामी कबड्डी के पहलवान थे और पूरे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में और उससे बाहर भी पाकिस्तान नहीं बना था तो इंडिया तक इनका नाम था कि कबड्डी में कोई खानी जमान खान भी है। तो सरदार भाई भी वहाँ से आया करते थे चैलेंज करने के लिए। मियाँ वाली के एक बहुत बड़े पहलवान थे, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना, वो भी आए थे और इन्होंने एक को रंगड़ी मार के तो गिरा दिया था। वो मान गया था कि भाई नाम सुन गया। पहले दो दिन उनको मेहमान रखा, खिदमतदारी की, सारा कुछ। फिर मुकाबला तय हुआ, फिर मैदान सजा और 5 मिनट नहीं लगे थे, दादा बू ने उनको चित कर दिया था। ये यहाँ पे दरबार है, गौसिया सखी सुल्तान अल्लादाद सरकार। और ये यहाँ पे हम बचपन में क्वालियाँ हुआ करती थी, ये सारा ग्राउंड था। अब ये पीछे मेरे बड़े मामू के घर है, ये जो आप देख रहे हैं। इस घर में मेरी बड़ी यादें हैं। हाँ, यहाँ में बहुत बड़ा टाइम गुजारा है। ये पुराने स्टाइल का इधर बंद कर दे। वालेकुम सलाम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा पहलवान थे, वो कबड्डी के खिलाड़ी थे। हाँ, और पूरे इलाके में उनके पाए का कोई खिलाड़ी नहीं था। तुम्हारी दादी जो है ना, वो बहुत छोटी थी, तुम्हारे दादू अब इस तरह बाजू करते थे ना। हाँ, तो उनके बाजू के साथ वो झूले लेती थी। अच्छा, दादी अम्मी का कद छोटा था, छोटी उम्र में भी छोटी थी ना। अच्छा अच्छा, उस जाहिर है उम्र में भी छोटी थी, और इस तरह बाजू करते थे तो वो झूला लेती थी इसके साथ। ऐसा कमाल पहलवान दादा। वो भी एक किस्सा मुझे दादी अम्मी ने सुनाया था कि वो लकड़ी टूटी, छत कच्ची छतें हुआ करती थी। तो पिलर टूट गया तो उन्होंने किसी चीज पे खड़े हो गए ना तो सर कंधा दे दिया। उतनी देर में दरख्त कट के आया, उसको छीला, दरख्त काटा, नीचे ला के दिया। वो घंटा डेढ़ घंटा छत के नीचे खड़े रहे और छत को रोक कर ज्यादा देर। ऐसे लोग अब कहाँ, असी तो 4 कदम दौड़ा सह चढ़ जाते। ये आ गया जी हमारा हवेलियां रेलवे स्टेशन, छोटा सा खूबसूरत सा। ये साइड पिंजरी से आ रही है और ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। कितना खूबसूरत है। और यहाँ हमने 2-3 फिल्मों की शूटिंग्स भी की थी, बहुत खूबसूरत जी। ये है जी मेन, हमारा मेन रोड वाला मेन बाजार। ये गाजी दाऊद शाह गवर्नमेंट स्कूल, ये पुरानी बिल्डिंग है, मेरे बचपन में भी ऐसी थी और अभी भी ऐसे। और ये बस का अड्डा हुआ करता था जो अब मार्केट बन गई है। ये हमारी गोश्त मार्केट अभी तक वैसी है। एक चचा का वो भी था, चप्पल कबाब का होटल जो अभी भी है। Thank you.
जो फरमाइशें आप करते हैं और वो पॉसिबल होती हैं मेरे लिए वो मैं ज़रूर करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो फरमाइश आई थी वो हवेलियाँ गाँव की वीडियो की थी जो कि मैंने आज पूरी कर दी। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल से और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइफ स्टाइल विद साहिबा।